हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मास्टर थ्योरम से रिलेटेड एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो वो क्या है? सपोज दैट ये आपका रिकरेंस रिलेशन गिवन है और इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है. तो मास्टर थ्योरम का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट क्या होता है? ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग टू द पावर पी एन, जहाँ ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, बी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, एन के की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पी कोई रियल नंबर हो. मास्टर थ्योरम क्या होता है एग्जैक्टली, लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया सारे केसेस के साथ. ओके, बट यहाँ डिस्कस क्या करने वाले हैं, क्या इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन पे हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखने से लग रहा होगा नहीं, क्योंकि इस रिकरेंस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी ऑफ एन विच इज इक्वल टू टी ऑफ एन टू द पावर हाफ प्लस लॉग एन. ये है रिकरेंस रिलेशन. अगर यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा, बट हम बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते. बी की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, बट 1 इज बट बी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि एन टू द पावर हाफ है, ये एन बाई टू नहीं. अगर एन बाई टू होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? बी की वैल्यू 2 हो जाती, तो उस पर मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते थे. बट यहाँ दिखने से लग रहा है कि इस पर मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, बट हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ एज्यूम करके इस फॉर्मेट पर लेके जाएंगे. Assumption, suppose that let's take n which is equals to 2 to the power m. ये हमने assumption ले लिया. ओके, तो ये recurrence relation क्या हो जाएगा, t of 2 to the power m which is equals to t of, अगर यहाँ n की जगह पे 2 power m substitute करेंगे तो क्या आएगा, n की जगह पे 2 to the power m अगर substitute करेंगे तो क्या है, 2 to the power m to the power half which is nothing but 2 to the power m by 2. तो मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे t of 2 टू द पावर m बाई 2 हम यहाँ सब्सिट्यूट कर सकते हैं प्लस. अब यहाँ क्या है, log n है, लेकिन अब हमारा सारा टर्म किस में आ गया, m के फॉर्म में. तो इस पे भी क्या करेंगे, log n की जगह पे हम सब्सिट्यूट करेंगे. तो log n क्या हो चुका है, 2 टू द पावर m. तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m log 2, और बेस 2 बाई डिफॉल्ट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m, क्योंकि log 2 बेस 2 1 होता है. तो इसकी जगह पे हम m सब्सिट्यूट करेंगे. यहाँ सब्सिट्यूट करते हुए यानी एजम्पशन जो ले रहे हैं, ये एज्यूम किया कि एज्यूम एन इक्वल टू 2 टू द पावर एम. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, मास्टर थ्योरम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लाना है, फिर उसके केसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि जो भी हम एजम्पशन लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि जो आपका ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल आपका रिकरेंस रिलेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब अगर सपोज दैट इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन को हम कोई अदर मेथड से सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल बैक सब्स्टिट्यूशन या रिकर्सिव ट्री. रिकर्सिव ट्री मेथड हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं. सपोज दैट इसका आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल थीटा ऑफ एन लॉग एन. ओके, लेट्स बस खाली ये हम एज्यूम करें क्या आएगा अभी हम लोग सॉल्व करने वाले, और ये एजम्पशन लेके इसको हम मॉडिफाई किए और इस फॉर्मेट में ले आए, और सपोज दैट इसका आंसर आ रहा है थीटा ऑफ एन ओनली. जब इसको हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ रहा है थीटा ऑफ एन लॉग एन. ये एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है, बस ये एज्यूम कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इस स्टेप का मतलब क्या है. थीटा ऑफ एन लॉग एन आ रहा है, और जब हमने इस फॉर्मेट को चेंज किया इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे, तो इसका आंसर आ रहा है थीटा ऑफ एन. ये नहीं होना चाहिए. मतलब चेंजेस करने के बाद भी जब हम मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर थीटा ऑफ एन लॉग एन ही आना चाहिए. ओके, ये इसका मतलब था. अब देखेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट, क्या ये अब हमारा इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है? ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यस. बी की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो क्या करेंगे, फिर से एज्यूम करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें इस फॉर्मेट पे लाना है. तो सपोज दैट हम ये एज्यूम करें, टी ऑफ 2 टू द पावर एम विच इज इक्वल्स टू सम फंक्शन एस ऑफ लेट्स से एम. ओके, ये हमने फंक्शन एज्यूम कर लिया. तो अब अगर यहाँ हम सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी ऑफ 2 टू द पावर एम इज नथिंग बट एस ऑफ एम विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एस ऑफ, यहाँ 2 टू द पावर एम बाई 2 है. जब 2 टू द पावर एम था तो यहाँ एम लिए हुए हैं, और 2 टू द पावर एम बाई 2 इज नथिंग बट एम बाई 2 प्लस एम ऑलरेडी यहाँ है. यहाँ फंक्शन को चेंज नहीं किया कि दूसरे वेरिएबल में, यहाँ 2 टू द पावर एम था, एम ही एज्यूम कर लिया. ओके, फिर वापस हम इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो वापस इस रिकरेंस रिलेशन तक पहुँच सकते हैं. अब देखो ये इंटरेस्टिंग होगी, ये क्या, एस ऑफ एम विच इज इक्वल टू एस एफ एस ऑफ एम बाई 2 प्लस एम. ओके, ये अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा क्या आ रहा है, ए की वैल्यू ए इज 1 एंड बी इक्वल टू 2, एंड यहाँ क्या है आपका के, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टू द पावर के, लेकिन अब फॉर्मेट क्या हो गया, एम, तो एम टू द पावर के हम एज्यूम करेंगे. इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ लॉग टू द पावर एम क्या है, 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 0. अब देखते हैं क्या कैलकुलेट करते हैं, a एंड b टू द पावर k. a और b टू द पावर k कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
वन एंड बी टू द पावर के, दैट मीन्स टू टू द पावर वन, क्या हो जाएगा लेस देन। तो अगर लेस देन देखेंगे तो क्या आएगा, ये केस थर्ड में आएगा, तो केस थ्री का ये आ रहा है, उसमें दो केस थे पहला और दूसरा, तो उसमें क्या था पी की वैल्यू, अगर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फर्स्ट केस विच इज नथिंग बट थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग टू द पावर पी एन, बट यहाँ एन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ हम एम के फॉर्मेट में लेंगे, फिर वापस इसको हम जो है सब्सिट्यूट करके एन के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है एन टू द पावर के, तो एन क्या है यहाँ पे एम है, तो हो जाएगा एम यानी थीटा ऑफ एन टू द पावर के की वैल्यू क्या है वन एंड लॉग पी की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो टू द पावर एम। तो यहाँ से क्या मिल रहा है थीटा ऑफ एम, बट हमें आंसर किसके फॉर्मेट में लाना है एन के फॉर्मेट में। तो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है अगर m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है log n। तो इसलिए इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा log n। और अगर इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बैक सब्सिट्यूशन में से तो क्या आएगा थीटा ऑफ log n, वो एजम्पशन लिया था कि ये थीटा ऑफ n log n है और थीटा ऑफ एन आंसर आ रहा है। इसको बैक सब्सिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे थीटा ऑफ एन लॉग एन आएगा, और अगर रिकर्सिव ट्री मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी आएगा, और मास्टर थ्योरम से भी सॉल्व करें तो क्या आ रहा है थीटा, आंसर चेंज नहीं होगा। बस हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं एन इक्वल टू टू पावर एम या टी ऑफ टू पावर एम इक्वल टू एस ऑफ एम, ये एजम्पशन जो है वो आपका सही होना चाहिए इस तरीके से कि इसकी जो ओरिजिनल ओरिजिनैलिटी है वो चेंज ना हो। तो ये था मास्टर थ्योरम के बारे में एक बेसिक आइडिया कि ऐसा हो सकता है कि हमें जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है उस पर डायरेक्टली मास्टर थ्योरम अप्लाई ना हो रहा हो, बट कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाएगा, फिर बाकी केसेस हमें पता है उसमें हम अप्लाई करेंगे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके।